दोस्तों, आजकल पूरे इंडिया में चुनाव का माहौल है, तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि रोज़ हम न्यूज़पेपर में या टीवी में, आपने भी सुना होगा, मैं भी सुनता हूँ कि भाई इस राजनीतिक पार्टी ने या इस कैंडिडेट ने मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन किया है, मतलब आचार संहिता का उल्लंघन किया है। रोज़ कोई ना कोई शिकायत लेकर निर्वाचन आयोग में पहुँचता रहता है कि भाई इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने इसका वायोलेशन किया है। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, आखिर में ये आचार संहिता होती क्या है, मॉरल कोड कंडक्ट होता क्या है, ये लागू कब होता है, इसके नियम क्या है और इसके अंदर क्या क्या दंड मिल सकता है, कुछ एग्जाम्पल लेकर भी बात करेंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आचार संहिता होती क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ लोग मोड कोड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं, बट सबका अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, सबका बोलने का तरीका है, हिंदी में इसको बोलते हैं आचार संहिता। सबसे बात करते हैं कि भाई आचार संहिता होती क्या है। देखिए, आचार संहिता बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ रूल्स हैं कि जो निर्वाचन आयोग सारी पार्टियों के लिए बनाता है, जितने उम्मीदवार हैं, जितने कैंडिडेट हैं, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी को उस रूल्स को फॉलोअप करने पड़ते हैं। फॉलोअप करने का रीजन ये भी है कि जो भी ये रूल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबके सर्वसम्मति से बनाया जाता है। इसलिए एक कंपल्सन हो जाता है कि जो भी इलेक्शन इलेक्टिव मेंबर है, जो भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, जो भी राजनीतिक पार्टी है, उसको इस नियम के फॉलो करने पड़ते हैं। तो संहिता मतलब आप कह सकते हैं ग्रंथ। तो बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ रूल्स हैं कि जो निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है कि एवरी पोलिटिकल पार्टी के लिए और एवरी जितने भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनके लिए डिसाइड करता है। और ये मस्ट होता है कि सारी राजनीतिक जो पार्टी होंगी या जो भी कैंडिडेट होंगे इसके रूल्स को फॉलोअप करेंगे, क्योंकि ये रूल्स उन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सबको मिलकर मीटिंगें होती हैं, उसके बाद कुछ डिफाइन किए जाते हैं जिसको सारी पार्टियां फॉलोअप करती हैं। अगर इस केस में क्या होता है कि अगर कोई पार्टी फॉलोअप नहीं करती है तो ये निर्वाचन आयोग पर डिपेंड करता है कि उस पार्टी को या उस कैंडिडेट को जो भी सजा देना चाहे दे सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 1975 में इंदिरा गांधी जी ने एक बार इस मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया था, उस चक्कर में निर्वाचन आयोग ने उसने कुछ दिनों के संसद में जाने से रोक लगा दी थी। तो बेसिकली जो भी सजा होती है वो निर्वाचन आयोग पर डिपेंड करता है कि वो क्या सजा दे सकता है। अब बात करते हैं कि लागू कब होती है। देखिए, जो भी आचार संहिता होती है, जैसे इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है कि मान लीजिए 3 बजे दिन में इन्होंने इलेक्शन की डेट अनाउंस की है, तो 3 बजे से उसी दिन से आपकी आचार संहिता लागू हो जाती है। कब तक होती है? जब तक आपकी वोटिंग खत्म ना हो जाए तब तक ये आचार संहिता लागू होती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जब तक काउंटिंग कंप्लीट ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आचार संहिता का मतलब होता है कि भाई कुछ चीज़ें आप ऐसे ना बोलें कि किसी को फायदा हो जाए, किसी व्यक्ति के विशेष को फायदा हो। तो इसलिए बेसिकली क्या होता है कि जैसे वोटिंग खत्म हो गई उसके बाद बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वोट तो आपका बंद हो चुका है। तो बेसिकली आचार संहिता क्या होता है कि जैसे इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई आचार संहिता आपकी लागू हो जाती है, जैसे आपकी वोटिंग कंप्लीट हुई आचार संहिता बाय डिफॉल्ट अपने आप हट जाती है। उसके बाद जो भी इलेक्शन उम्मीदवार है, जो भी राजनीतिक पार्टी जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। दोस्तों, तो पहला नियम इसमें आता है कि किसी भी नई योजना पर रोक लग जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे आचार संहिता लागू हुई है तो जो भी सरकार है या सत्ताधारी पार्टी है वो किसी भी नई योजना को शुरुआत नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी इनको शुरुआत करना पड़ता है, करना होता है, वो आप आचार संहिता के पहले कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप लागू हो गई उसके बाद आप नहीं कर सकते। क्योंकि निर्वाचन को कहना है कि भाई अगर आचार संहिता लागू होने के बाद आप कह रहे हैं तो इसका मतलब किसी न किसी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। बट निर्वाचन आयोग हमेशा ये कोशिश करता है कि जो भी चुनाव हो निष्पक्ष हो, किसी के दबाव में ना हो, किसी के प्रेशर में ना हो। इसलिए सबसे पहले निर्वाचन आयोग क्या करता है कि जो इस तरह की नई योजनाएं होती हैं उस पर रोक लगा देता है कि कोई भी सरकार या सत्ताधारी पार्टी है आचार संहिता लगने के बाद कुछ भी ऐसी योजना स्टार्ट नहीं कर सकता जिसको किसी को बाय डिफॉल्ट फायदा हो रहा हो। तो सबसे पहले क्या होता है कि तत्काल प्रभाव से कोई भी नई योजना स्टार्ट होने वाली नहीं होती, उसको शुरू नहीं की जाती है। उसके बाद दूसरा आता है सरकारी धन का लाभ उठाने पर रोक। जो भी सरकार है, जो भी सत्ताधारी पार्टी है, किसी भी सरकारी धन का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप जो भी गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं उनका उपयोग करना शुरू कर दिया, अपने अफसरों को इधर उधर आदेश कर देना शुरू कर दिया, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते। सरकार की कोई भी चीजें आचार संहिता लगने के बाद आप यूज नहीं कर सकते।
उसके बाद आता है सरकारी अफसरों के तबादले पर रोक। देखिए जैसे आचार संहिता लागू हुई आप किसी भी अफसर का तबादला नहीं कर सकते। अगर आपको लगता नहीं है कि इसके अफसर को तबादला करना बहुत जरूरी है तो आपको सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ता है, देन आप उस ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें क्या कंडीशन क्या है कि ये आपको निर्वाचन आयोग से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उससे पूछना पड़ेगा। जब निर्वाचन आयोग का अप्रूवल आ जाएगा देन आप ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग का कहना है कि लोग जनरली ऑफिसर का ट्रांसफर इसलिए कहते हैं कि अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए करते हैं, कि हो सकता है कोई ऑफिसर किसी का चाहता हो तो उन्हें लगता है कि वो ऑफिसर अगर मेरे साथ काम करेगा तो हो सकता है कि वोटिंग में हमारी हेल्प करे, या हो सकता है कि काउंटिंग में कुछ होल्ड करें, हो सकता है जितने में सहयोग करें। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ निगेटिव भी होती हैं कुछ पॉजिटिव भी होती हैं, बट ऑफिसर के तबादले पर रोक लग जाती है। अगर आपको करना है तो निर्वाचन आयोग से परमिशन लीजिए, जब निर्वाचन आयोग अप्रूवल करेगा तभी आप कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए कुछ दिन पहले केस हुआ था नमो टीवी को लेके, विपक्ष ने कहा था कि भाई नमो टीवी नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें हमेशा मोदी जी की गुणगान होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया था कि नहीं इस पर हम रोक नहीं लगा सकते, जैसे मोदी जी की मूवी आने वाली थी उस पर भी मना कर दिया था, बट निर्वाचन आयोग ने क्या किया, रोक लगा दिया। तो बेसिकली निर्वाचन आयोग को अभी ये डिसाइड करना होता है कि क्या सही है क्या गलत है, सारी चीज़ें वो देखता है। जैसे आपने एक टर्म सुना होगा पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, कि मतलब कुछ इसमें आचार संहिता में भी आता है कि भाई आप किसी भी धर्म विशेष पर टिप्पणी नहीं कर सकते, किसी मंदिर में नहीं जा सकते, किसी मस्जिद में नहीं जा सकते, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना है। अगर आप जाते हैं तो ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, या आप उसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर रहे हैं, तो इसकी आपकी सजा भी हो सकती है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आता है चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों पर रोक, मीन्स चुनाव प्रचार के लिए वही जो अभी मैंने पहले कहा था कि आप मंदिर मस्जिद पर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप मस्जिद पर जाते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसी टिप्पणी कर दें जो एक जनरल वे में अच्छा नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले जैसे हिंदू मुस्लिम आप समझ ही रहे हैं बहुत कुछ चलता है, तो सारी चीज़ों पर आचार संहिता लगने पर सारी चीज़ों पर रोक लग जाती है। उसके बाद आता है शराब पैसे के वितरण पर रोक, मतलब ये देखिए कॉमन चीज़ें हैं, चुनाव से पहले सारी पार्टी जिसके पास पैसा होता है कोई शराब बांटता है कोई पैसा बांटता है, सारी चीज़ें करते हैं। चुनाव आयोग हमेशा कोशिश करता है कि इस पर रोक लगा दें, बट ये रुकता नहीं है। लेकिन ये भी एक तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, ये एचआर चुनाव आयोग कभी अलाउ नहीं करता है कि आप करें। अब देखिए सबसे बड़ा जो यूज होने लगा आजकल सोशल मीडिया का होने लगा, तो निर्वाचन आयोग का कहना है कि ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, कि अगर आप चुनाव से पहले 48 आवर्स पहले अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ भी इधर उधर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इधर उधर करने का मतलब या अपने आप को ऐड करने का मतलब ये है कि आचार संहिता लगने के बावजूद भी आप अपना प्रचार कर रहे हैं, तो इसको भी चुनाव आयोग अलाउ नहीं करता। तो जो भी हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है उसको रोकने के लिए बेसिकली जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है एक उन्होंने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है सी विजिल। इस एप्लीकेशन की खास बात क्या है कि आप गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में कहीं आपको लग रहा है कि हाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, देन उसकी इमेज या वीडियो कुछ भी ऑडियो आप कुछ भी उस एप्लीकेशन पे अपलोड कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग का कहना है कि विद इन 100 मिनट उस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी, तो उस तरह से आप उसको भी कर सकते हैं, रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि आपके एरिया में ऐसा कुछ हो रहा। तो बेसिकली अब ऐसा देखिए ऐसा नहीं है कि आचार संहिता लगने के बाद कोई सरकारी काम नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ काम है जैसे सरकारी काम होते हैं, जैसे राशन कार्ड बनवाना, आधार कार्ड बनवाना, जो जनरल काम है वो काम चलते रहते हैं। लेकिन जैसे सरकारी अफसरों के तबादले पर रोक जाती है, कोई नई योजना आप स्टार्ट नहीं कर सकते, शराब वितरण नहीं कर सकते, धार्मिक स्थलों पर नहीं जा सकते, तो ये कुछ नियम है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन के अंदर आते हैं। तो बेसिकली आज मेरी वीडियो में इतना ही है, तो मैं एक बार इसको समराइज करना चाहता हूँ। आचार संहिता बेसिकली क्या है कि संहिता मतलब ग्रंथ होता था, इस कह सकते हैं कि भाई ये कलेक्शन ऑफ रूल्स हैं कि जो निर्वाचन आयोग डिफाइन किए जाते हैं एवरी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी और एवरी जो भी मेंबर उसमें खड़ा होता है, और हर पार्टी हर मेंबर को उस नियम को फॉलो करना पड़ता है, मतलब फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई नहीं फॉलो करता है तो मीन्स उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वो वायलेशन कर रहा है। तो ये निर्वाचन आयोग पर डिपेंड करता है कि निर्वाचन आयोग जो चाहे उसको सजा दे सकता है, डिपेंड करता है कि उसका जो वॉल्यूशन है किस लेवल का है, वो कितना जो भी हमारे कैंडिडेट हैं जो भी वोटर को कितना वो प्रभावित कर रहा है। तो बेसिकली आज वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जरूर कमेंट करें, जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।